तो कल के मुकाबले में यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने इतना रन चेस किया कि 16 ओवर के पहले ही यहाँ पर 196 रन का यहाँ पर टारगेट पूरा कर लिया। तो जिसमें सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और यहाँ पर रोहित शर्मा ने शानदार इनिंग खेली और यहाँ पर 24 गेंद रहते ही यहाँ पर पहले मुकाबले जीत गया। तो कल के मुकाबले में एक हाई लेवल का स्कोर बना जिसमें यहाँ पर दोनों टीमों की तरफ से अच्छी बैटिंग देखने को मिली, लेकिन बॉलिंग में उतना खास प्रदर्शन सिर्फ जसप्रीत बुमराह ने ही किया। इन्होंने शानदार 5 विकेट लिए। तो कल की ड्रीम इलेवन प्रोडक्शन में बहुत ही गेम चेंजर्स यहाँ पर रहे सूर्य कुमार यादव और यहाँ पर फाफ डुप्लेसी। तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह 3 प्लेयर्स ड्रीम इलेवन के टॉप के प्लेयर्स रहे। तो कल जिस बंदे ने फर्स्ट रैंक लगाई थोड़ी वो दिखा देते हैं आपके लिए। यहाँ पर सबसे पहले तो इस बंदे की टीम दिखा देते हैं जिसने यहाँ पर 2 करोड़ रुपये विनिंग किए हैं 2 प्लेयर्स ने। तो इस बंदे की टीम देख लीजिए, कैप्टनसी में रहे यहाँ पर जसप्रीत बुमराह और वाइस कैप्टनसी में ईशान किशन, और 11 के 11 प्लेयर्स ने अच्छा शानदार प्रदर्शन किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आज के मुकाबले में भी ऐसे ही विनिंग टीम आपके लिए बनाकर देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ड्रीम इलेवन अपनी शामिल करते हैं टीम। तो केएल राहुल, निकुलस पूरन और ऋषभ पंत और डीकॉक, इन चारों के लिए शामिल करेंगे। इसके बाद हम डेविड वार्नर और पृथ्वी सोनी टी स्टब्स के लिए शामिल करेंगे। इसके बाद हम पर ऑलराउंडर में आएंगे अक्षर पटेल, स्टोनिस के लिए शामिल करेंगे। और इसके बाद बॉलिंग बॉलिंग में हम शामिल करेंगे नोकिया के लिए, और यहाँ पर ये ठाकुर अच्छा ऑप्शन है, वाई ठाकुर या फिर अहमद, ये अहमद भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हम ठाकुर के लिए शामिल करेंगे। और यहाँ पर एक और किसी बॉलर्स के लिए ऑलराउंडर कर लेते हैं इनकी जहाँ पर शामिल कुरान पांड्या। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर बैटिंग में सबसे ज़्यादा प्लेयर शामिल किए हैं 4, 2, 6 प्लेयर्स, 3 ऑलराउंडर्स और 2 बॉलर्स। इसके बाद हम कैप्टन और वाइस कैप्टन रखेंगे। तो निकुलस वरुण कैप्टनसी में रखेंगे हम, और वाइस कैप्टनसी में यहाँ पर टी स्टब्स वाइस कैप्टनसी में रखेंगे। और यहाँ पर एक बार और हम टीम के लिए देख लेते हैं। तो कैप्टनसी में निकुलस वरुण जो कि विकेट कीपर हैं। देखिए विकेट कीपरिंग में क्या फ़ायदा है, यहाँ पर विकेट कीपिंग में निकुलस पूरन के लिए रखा है, कि राहुल भी कर लेते हैं तो उनमें से कोई भी करेगा, और टी स्टब ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। देखो ऑलराउंडर में उतना कोई खास प्लेयर्स दिख नहीं रहा रहेगा, तो जो ड्रीम इलेवन के कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स वो बैट्समैन ही रहेंगे गेम चेंजर्स, तो हमने इसलिए बैट्समैन में ही रखा है। तो हम यहाँ पर 100% इसमें भी विनिंग करेंगे। तो यहाँ पर 100% आप टीम लगाइए और पैसे विनिंग कीजिए।